11 बज गई है, सब सेटअप कर दिया अपना सारा सामान इधर। आज नया थोड़ा सामान आया था तो यहाँ पे सारा सेटअप वेटअप कर दिया है। चलते हैं, थोड़ा अपनी जो कार है पार्किंग लगा देते हैं कि थोड़ा दूर खड़ी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ से सही से दिखता नहीं है बाहर से, तो इसको सामने ला खड़ा कर देते हैं। एक मिनट, कार की चाबी किधर गई? तो मैं कार की चाबी रूम में छोड़ दिया। ले लेता हूँ रूम की। और आज कॉलेज बंद है, यहाँ पे गिरी हुई है। आज सैटरडे संडे कॉलेज बंद रहता है, तो आज कॉलेज बंद है तो आज कॉलेज गया नहीं, तो आज इसलिए काम पे आया हूँ। अभी कॉलेज से NOC भी नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको NOC लेनी पड़ती है। बट मैंने अभी तक तो NOC लिया नहीं है, तो इसलिए मैं शो नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। बहुत गर्म है, छा में खड़ा कर देता हूँ वहाँ पे। बहुत उबल रहा है अंदर से, सामने यहाँ पे थोड़ा छाव है तो यहाँ पे सही रहेगा। एक मिनट, गरम है कार से। एक मिनट, हल्का सा बैग लेगा बस, ये है सही है। यहाँ से बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आज टेम्परेचर 37 है। तो ये कार इधर खड़ी कर दिया पूरी, शाम को धुलाना भी दोस्त होता है, जाके धुला धुलाऊँ। फिर कल रात में बारिश हुई थी तो पूरा गाड़ी गंदी हो गई है। और ये हमारे यहाँ पे दुकान लगाते हैं भाई साहब, डेली का $50 देते हैं। चलो सर, हाउ आर यू? गुड। तो ये यहाँ पे जैसे शूज वगैरह लगाते हैं, फिर दिखाता हूँ लेडीज पर्स, और यहाँ पे आके अपना जिस्टे लगाते हैं। ये यहाँ पे जो बनाते हैं आप, अब बीफ वगैरह बनाते हैं तो मैं तो खाता नहीं कुछ बीफ, वो चिकन, यहाँ पे इनका ट्रॉली टाइप का जो डेली आते हैं, अपना सामान यहाँ लगाते हैं पूरा। अच्छा है जैसे, तो ये इनका एक तरह से भट्टी है, इसके अंदर ही पूरा सब कुछ सामान डालते हैं। ये देखिए टेम्परेचर इसका कितना है, आप जो टेम्परेचर सारा रहता है चेक करने के लिए। तो इनका ये पूरा है, यहाँ से ये बनाते हैं और सेल करते हैं। साथ में ये सब शूज वगैरह भी सीखते हैं। देखा नाइक का एयर है, मेरे ख्याल से डुप्लीकेट लग रहा है, एयर जॉर्डन, एयर नाइक वगैरह। यहाँ पे बेल्ट भी है, बेल्ट वगैरह भी सेल करते हैं। ये सन ग्लासेस भी है, गुच्ची बड़े डुप्लीकेट नॉट ओरिजिनल आई थी, क्योंकि ये बहुत चीप है। हाउ मच द प्राइस?
$25 for this. Same, all same price or different price? All same. All same. So जितने भी सन ग्लास है सारे $25. ये माइकल प्रोस का बैग है बट इट्स नॉट ओरिजिनल, डुप्लीकेट ही चल रहा है सारा। ये भी माय जॉर्डन नाइक का जॉर्डन शूज। अगर आप इसको ओरिजिनल में लेने आएंगे तो 300 प्लस है, $350 आई थिंक। मैं 2 साल पहले लिया था तो $350 का था, अभी तो ये $45 बेच रहे, मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट ही है। चलते हैं अपने शॉप में, अभी कोई आए तो है नहीं, सुबह से खाली है। बैठता हूँ, कुछ देखता हूँ मूवी वगैरह, शाम को जाएंगे जिम तो फिर कुछ बनाता हूँ देखता हूँ। और हो सकता है नेक्स्ट वीक ऑफ रहे तब फिर जब जाऊँगा बाहर तो कुछ दिखाता हूँ आपको। तो शाम के 7 बज गए हैं और जस्ट फिनिश हुआ काम ख़त्म, अब चलते हैं जिम थोड़ा 1-2 घंटे। गाड़ी तो बहुत इस समय हॉट है और चलते हैं। दूर नहीं है, जस्ट पास में ही इसके जहाँ पे मेरा शॉप है, बगल में जिम है, तो 2 मिनट का रास्ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे जिम का। पहुंच गया मैं अपने जिम, तो भाई गाड़ी पार्क की है पार्किंग में, चलते हैं जिम के पास अपने। अभी 7 बज रही है, मे भी 9 और 10 बजे तक जिम करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर रूम पे, खाना ना बनाएंगे कुछ, देखते हैं क्या बनाते हैं आज। और जिम में एंटर होने से पहले यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है कार्ड, तो स्कैन करेंगे कार्ड, स्कैन हो गया और इसको डोर ओपन करने का जिम में एंटर। कोई नहीं, सैटरडे है तो अभी आज कोई नहीं आता जाता था, पूरा जिम खाली है। वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे कोई नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं था। चेस्ट और ट्राइसेप्स मारना है, ऑलमोस्ट डन हो गया है चेस्ट, बस 2-3 शॉट
हाँ सेट ऑल मार दूँ बस, हो गया रन, देखता हूँ। तो रात 11 बज गई है, जिम हो गया फिनिश, चलते हैं रूम में, भी खाना ही बनाना है, तो आज लगता है लेट जाएगा, 1 बज जाएगी सोते सोते। तो आज चेस्ट डे था तो थोड़ा ज़्यादा किया, क्योंकि चेस्ट अपना फेवरेट है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, सन्नाटा है पूरा पूरा, कोई नहीं, सन्नाटा है, केवल मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, बाकी पूरा पार्किंग लॉट एम्प्टी, आसपास भी कोई नहीं। इधर बहुत लेट हो गया आज, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। गाड़ी बहुत गंदी है, कल धुलता है इसको। चेस्ट डे के दिन जिम करने का अपना अलग ही मजा है, आराम से करो, ऊपर से आज सैटरडे संडे, सबसे अच्छा कोई जिम में कोई नहीं, तो पूरा खाली रहता है, केवल 3-4 लोग थे जिम में, तो इसलिए और करने में मजा आता है। पूरा रोड खाली है, बस 2 मिनट में अपने घर पे पहुंच जाने का, यहाँ से आ गया अपने रूम पे, और 2 मिनट क्या, 1 मिनट का ही रास्ता है, 2 मिनट भी नहीं। यहाँ पे भी आज कोई नहीं आया, वरना यहाँ भी पूरा लाइन लगी होती है। अपना अपार्टमेंट इधर है, अपना शॉप इधर है, तो इधर पार्किंग में करने का। बस आज का ब्लॉग इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है डेली बनाऊं, क्योंकि भी इस कॉलेज भी बंद है 2-3 दिन, तो हो सकता है बाहर जाऊंगा तो जाऊंगा जब ऑफ होगा अपना, क्योंकि टाइम मिलता है 2 दिन, बाकी दिन तो कॉलेज रहता है, 2 दिन ऑफ मिलता है, तो उस दिन बनाते हैं ब्लॉग, जैसा भी होगा अपडेट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम।